असल अभी वन एंड वेलकम बैक टू जी के स्टडी इन्फो आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि जो पी वाई क्यूज आपके हैं ये आपके लिए एक आईने की तरह काम करते हैं आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए पहला क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द गलवेनोमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है गैलवेनोमीटर से मेजर किया जाता है अब इस गैलवे को किसने ईजा किया है इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जॉन या आप कोई भी प्रोनासीशन जैसे आपकी मर्जी है वैसे कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी विच बैक्टीरियल डिजीज हैड हिट चाइना ओवर पीपल उस टाइम के करंट अफेयर से पूछा गया है लेकिन आप देखिए क्या क्या रहता है 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 को सॉल्व करने का इसका जो सही आंसर है, वो है आपका आपका क्वेश्चन खुद ही बताता कि कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ अब आपका काम क्या है? आप देखेंगे कि ये किस बैक्टीरिया से एसोसिएटेड इसको मोपिला रिवोल्ट भी कहते हैं रिबेलियन भी कहते हैं 1921 में ये हुआ था। आप आपका जो हिस्ट्री है वहां से आप जाके इसको अच्छे से देखेंगे वहां पे भी नहीं है आपके मटेरियल में या जो भी आप कोई नोटबुक यूज करते हैं फिर आप जाके गूगल में देखिए तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी केरला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग दी फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इन ओलंपिक्स सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स फेडरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु दी फॉलोइंग वाज़ दी फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बहुत ही फेमस जो ये आइडिया है पाकिस्तान का ये किसने दिया था वो खुद भी एक फेमस आदमी है सो so इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद इकबाल जो आपके बहुत बड़े शायर गुजरे हैं डॉक्टर अलामा इकबाल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वियर इज दिस सार्क परमानेंट सेक्रेटरीट लोकेटेड इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी काठमांडो अब आपका काम क्या है आप देखेंगे कि सार्क कब बना है इसके टोटल कितने मेंबर हैं और क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच अमंग द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एंटी बंगाल पार्टी शनि चंपारण सत्याग्रह ये पहली सिविल मूवमेंट चली थी चंपारण सत्याग्रह इसके बाद खेड़ा और फिर अहमदाबाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इन पार्ट ऑफ द द इंडियन टेरिटरी इज डोगरी लैंग्वेज वाइडली स्पोकन बाय द पीपल ऑप्शन देख के ही समझ आ रहा होगा सबको आई होप ये आप सब ने कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी लोकेटेड इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद इसी तरीके से आप यहां पे काम करेंगे आपका काम है आई एस आर ओ इसकी फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट में और देखिएगा ये कब एस्टेब्लिश हुआ और इसका जो क्वार्टर है वो कहाँ पे है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग वाइटाम इज अदरवाइज नोन एज फाइलोक्नून कौन सा विटामिन है उसको फाइलो कहा जाता है एग्जाम्बल हमेशा यहाँ से क्वेश्चन डालता है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाइटामिन के और आप सी जो है आपका वो है एस कॉर्बिक एसिड सॉरी मेरा हैंड थोड़ा खराब जा रहा है क्योंकि फास्ट लिख रहा हूं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग कंट्रीज अवार्ड्स नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज एल्फर्ड नोबेल नाम सुना होगा आपने इसने इस प्राइज को इन्वेंट करा था और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए स्वीडन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन लोकेटेड ओ पी सी डब्ल्यू इसका आपको सही आंसर बताना है आई होप ये चीज हो आपको इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए दैग नदरलैंड्स नेक्स्ट है आपका विच फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ या दक्षिण गंगा भी इसको कहते हैं रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन है इसी को आप ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं और इसका जो सही आंसर है वो है आपका गोदावरी नेक्स्ट है आपका विच अमंग दी फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च द मास्क वेरिफिकेशन फीचर इन इंडिया इंडिया में किसने ये फीचर लाया था मास्क वेरिफिकेशन का सही आंसर इसका ऊबर है नेक्स्ट है आपका हु द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट फ्रॉम दार्ट एंड ऑटो बायोग्राफी एक बुक है ये एक ऑटोबायोग्राफी है इसके ऑथर का नाम आपको बताना है एक फेमस क्रिकेटर है जिनका नाम कपिल देव है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आपका है वी टर्म करोना इन कोरोना वायरस मीन इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नेक्स्ट है आपका हु अमंग फॉलोइंग साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत ही मशहूर एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसके जो प्रपोजर है वो है आपके एल्फर्ड वेगनर यानी ऑप्शन बी आपका इसका सही आंसर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिवेलिड इन दी नाइनटीन इमर ऑफ इंदिरा गांधी इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन डिराइन वाटरवे रिगार्डिंग एज दर्ल्ड मोस्ट किन दो जगहों को ये वाटर वे जो है राइन वाटर वे कनेक्ट आपस में करता है इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड्स एंड स्विटरलैंड अब है आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जे के रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन है इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इजी क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब टू मार्च विच ऑफ फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन पुरमंडल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड फोनोग्राफ फेमस साइंटिस्ट आपके थॉमस एलवा एडिसन ने इसको इन्वेंट किया था जिन्होंने बल्ब भी आपका इन्वेंट किया था डन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चारों जो यूटीज हैं इनकी लोकेशन आप देख लेंगे एक बार लेकिन सही ऑप्शन भी मैं आपको यहां पर बताता चलू ऑप्शन नंबर सी दाछी गांव आपका सही आंसर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर और इसका जो सही आंसर है आई होप आपके दिमाग में चल रहा होगा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी एन एच फोर्टी फोर और एनएच फोर्टी फोर का और एक नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेष डैंस इज जनरली परफॉर्मेड आफ्टर ऑल द रिचुअल्स ऑफ रेडिंग वैन द्राइड इज अबाउट टू लीव हर पैटर्नल होम इन जे एंड K. तो इसका भी आंसर जो है वैसे मैंने मार्क कर दिया क्वेश्चन ये इसका आंसर सॉरी गो नाचुन सॉरी मैं इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं आप इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देख लीजिएगा चिनानी नशी टनल इज ऑल्सो नोन एज इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपका है नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट देश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जम्मू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहां पे लिखने में थोड़ी एक स्पेल मिस्टेक हुई है यहाँ पे सैफरान होना चाहिए सो so, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मिलेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेश इज फाउंड इन दी फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजल लिदर डोडा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज लेपर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ईयर द मुगल डोमिनियन इन श्रीनगर कैम टू तो एन एं, एंड विद द डेथ ऑफ दियर किंग कौन सा किंग था जिसकी डेथ की वजह से श्रीनगर में मुगल रूल खत्म हो जाता है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सेवनटीन हंड्रेड सेवन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे जो औरंगजेब थे आपके इनका टाइम पीरियड क्या था कहां से कहां तक इन्होंने रोल किया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीर बाहू कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड एट इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में किस जगह को कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन वॉज एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस्ड इन राज्य सभा इसका जो सही आंसर सबको पता होगा फिफ्थ ऑफ अगस्त नाइन ट्वेंटी नेक्स्ट है आपका विच ऑफ फॉलोइंग एयरपोर्ट इन इज इन श्रीनगर कौन सा एयरपोर्ट श्रीनगर में है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट है आपका बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑन देश रिवर एक फेमस ये भी है जे एंड के में तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चिनाब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द्लेसिस हैज दिस्टिंक्शन ऑफ बींग एशिया ऑनली हेली स्कींग रिजॉर्ट इसका जो सही आंसर है पता होगा गुलमर्ग और गुलमर्ग में कौन सा विंटर में फेस्टिवल चलता है आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिलीवर तावी इन जम्मू एंड कश्मीर ऑरिजिनेट फ्रॉम विच स्प्रिंग इसका जो सही आंसर है गाइज ये है आपका ऑप्शन नंबर सी कैलाश कुंद स्प्रिंग नेक्स्ट है आपका हु इंट्रोड्यूस द बुद्धिज्म टू दैली ऑफ जे एंड के फेमस आपके बहुत फेमस एम्पर है ऑप्शन नंबर ए का जो ये एम्पर ऑफ अशोका नेक्स्ट है आपका विच इज दॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन जे एंड के इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चक्री अब है जर्नल साइंस के क्वेश्चन द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दम्पलीट ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इन ए सेल टेक्स प्लेस इन ये आपका काम है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हर कोई इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा क्योंकि आपने क्लास नाइन्थ में ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच आर द हैज द लोवेस्ट एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रेडियो वेव्स थोड़ा बीच में पाज ले रहा हूं ताकि आप भी कर पाए क्वेश्चन को वैसे मेरे क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आप आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा आपको पता होगी इन एन इको सिस्टम जू प्लैंकटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स प्लांट कम्युनिटी हिटीरियो ट्रॉप्स इसका जो सही आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हिटीरियो ट्रॉप्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड डेष इसका जो सही आंसर इन चार में से यानी पहली ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी वेव लेंथ तो गाइज इसका सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है सबको पता होना चाहिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी डेनमार्क नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ दिन एग्जॉस्टेबल होते हैं और इन इनएग्जास्टेबल होते हैं इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे इतनी तो उम्मीद है कि यह चीज सबको पता होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड जब पर सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहते हैं इसका जो सही आंसर है guys, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का क्या ऐसा SI यूनिट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द केमिकल सिंबल ए जी डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट स्लीवर गो आयरन गोल्ड आयरगोन कौन सा है एजी ये तो सबको पता होना चाहिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है स्लिवर Next question है आपका सी एफ सीज होते हैं एच सी आपके सीज होते हैं एच होते हैं, सीज होते हैं सी आपका क्या होता है क्लोरो फ्लोरोबंस हाइड्रोक्लोरोलोरोबन हाइड्रोब्रोमोक्लोरोबंस फ्लोरो कार्बन आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं एक होते हैं दो तीन या चार ये आप मुझे बताएंगे इसका जो सही आंसर है गाय वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज़्ड टू मेजर एटमॉस्फ़ेरिक प्रेशर प्रेशर अगर आपको पता होगा ये आप कॉमन सेंस से भी यूज कर सकते हैं प्रेशर मेजर करने का एक यूनिट है बार ठीक है तो यहां पर जैसे बैरोमीटर आपका ऑप्शन है ये आपका सही आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑफ द फॉलोइंग इज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गिवन सेल पहला ऑप्शन है वोल्ट वोल्ट मीटर गैलवेरो मीटर फिर है आपका एम मीटर सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियो मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पोररी डाइपोल इज कॉल्ड डैश इसका जो सही आंसर है क्या ऑप्शन ए है बी है सी है या डी है जिन लोगों को पता होगा तो दे, देख लीजिए क्या यही था आपके दिमाग में ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्शन फोर्स अब देखिए हमने इतने क्वेश्चन किए लेकिन साथ ही साथ जो आपको मैंने इनकी और बाउंड्रीज बताता मैं गया आपके कितने सवाल यहां से और आप बनाएंगे खुद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थज एटमोसफियर चलिए यहां पे एक ट्रिक सिखाता हूं आपको अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि क्या है अपर मोस्ट लेयर और इस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं सबसे पहले मैं बताऊं आपको पांच लेयर होती हैं टोटल एटमोस्फेयर की अब देखिए आप इसको सिंपल वे में कैसे याद रखेंगे जिनको याद है ऐसे ही बहुत अच्छा अच्छी बात है लेकिन जिन लोगों को याद नहीं रहता है उनके लिए एक अच्छी ट्रिक है आप सबसे पहले लिखेंगे ट्रस्ट टी आर यू एस सी ट्रस्ट मी इन एग्जाम ठीक है कितनी लियर थी टोटल पांच अब देखिए टी आर से आपका आएगा ट्रोपोस्फियर ये स्पेल दी है ठीक है फिर एस टी से आपका आएगा स्ट्रेटोस्फियर ये स्पेल दी है एम ई से आपका आएगा मेजोसोफियर ये है आपकी स्पेल मीजोसफियर की फिर आपका जो द है द से आएगा आपका थर्मोस्फीयर थर्मोस्फीयर नहीं दिया है मैं लिखता हूं टी एच ई आर एम ओ एस पी एच ई आर ई ये हो आपका सफियर देन आपका ई e, एक्स जो एम है एग्जाम इससे आपका आएगा सफियर जो लास्ट की लेयर होती है सफियर ये आपकी स्पेल यहाँ पे दी है ठीक है गाइस आई होप ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन वाइटामिन पे जैसे मैंने आपको वाइटामस का वो क्वेश्चन करवाए वहीं पे मैंने आपको बताया था कि आप बाकी जो वाइटमिन हैं उनके जो दूसरे नाम है वो देखेंगे इसी तरीके से यहाँ पे इसने पूछा है कि बायोटिन किस वाइटामिन का नाम है तो इसका सही जो आंसर है वाइटमिन बी सेवन सही आंसर है वाइटामिन बी सेवन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिलोसटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड बहुत आसान है एक्सरेशन मोमेंटम स्पीड मोमेंट ऑफ फोर्स कमेंट में मुझे बताएंगे मैं जानता हूं मैंने आपको छह सात क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखने को बोले लेकिन ये जो बहुत ईजी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स ए डिजीज आउटब्रेक दैट स्प्रेड्स अक्रॉस कंट्रीज जैसे आपको पता है कोविड से रिलेटेड कौन सी टर्म ज्यादातर चली थी आपका पैंडमिक ठीक है कोविड एक पैंडमिक था तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी जी एस यूनिट्स तो इसका सही आंसर जो है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर सो so, आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा तो ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लगती है या इसमें कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग